महामंगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लभराज से जा रहा है तो यहां की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनात की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं कि वो अपने पति के इस बलिदान पर आंसू बहाएं। क्या शिवगामी देवी का होगा अहम रोल? किसे मिलेगा शिवगामी देवी का किरदार? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश विश्वकर्मा, स्वागत करता हूं आप सभी का बॉलीग्रैट स्टूडियोज में। हमें नहीं लगता कि आज बाहुबली सीरीज का शिवगामी देवी के कैरेक्टर को किसी भी इंट्रोडक्शन की नीड है। चेहरे पर एक अलग ही तेज दमदार आवाज और बेइंतहा खूबसूरती, जी हाँ यही है शिवगामी देवी। बाहुबली की पिछली सभी सीरीज में राम्या कृष्ण ने शिवगामी देवी के कैरेक्टर को निभाया था और यही रीजन है कि आज वो सभी के दिलों पर राज कर रही हैं। वैसे हिंदी सिनेमा प्रेमियों के लिए राम्या का नाम नया नहीं है। फिल्मों में गुस्सैल चेहरा, माथे पर चमक और वीरंगना जैसी पर्सनैलिटी यानी राम्या ने न सिर्फ साउथ बल्कि बॉलीवुड में भी अपने दमदार एक्टिंग से सबका दिल जीता है। आप ये तो जानते ही हैं कि बाहुबली फिल्म की दोनों ही सीरीज ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। इस फिल्म में जितना बाहुबली यानी कि प्रभास के रोल को सराहा गया था उतनी ही पॉपुलर हुई बाहुबली की मां शिवगामी देवी। इन दोनों ही पार्ट्स में शिवगामी का किरदार राम्या ने निभाया था जिसे देख लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे। वहीं अब जब फिल्म के तीसरे पार्ट की बात भी होने लगी है तो सब यहां जानना चाहते हैं कि आखिर इस बार फिल्म की कहानी क्या होगी। तो चलिए हम आपको बता देते हैं, दरअसल इस बार फिल्म की कहानी एक बिफोर द बिगिनिंग का कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगी। जी हाँ दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि इस बार फिल्म में शिवगामी देवी के पास्ट के बारे में बताया जाएगा कि कैसे उन्होंने माहिष्मति साम्राज्य की राजगद्दी संभाली, कैसे वो माहिष्मति तक पहुंची। बाहुबली 3 की सारी कहानी शिवगामी देवी के कैरेक्टर के इर्द गिर्द ही घूमने वाली है। अब जब नए पार्ट में शिवगामी देवी के कैरेक्टर को इतना सेंट्रलाइज किया गया है तो इस किरदार को निभाने वाला भी कोई दमदार एक्टर ही चाहिए। वैसे ये तो जाहिर सी बात है कि राम्या कृष्ण इस किरदार को नहीं निभाएंगी क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि इस फिल्म में यंग शिवगामी देवी की कहानी को दिखाया जाएगा जिसके लिए मेकर्स को किसी नए चेहरे की तलाश थी, लेकिन शायद अब ये तलाश खत्म हो गई है। दरअसल सुनने में आ रहा है कि युवा शिवगामी देवी के किरदार के लिए वमिका गब्बी को सिलेक्ट कर लिया गया है। वैसे इन्हें आप पहले भी कई फिल्मों में जैसे कि जब वी मेट, तू मेरा 22, मैं तेरा 22 में देख चुके होंगे। वहीं अब मेकर्स ने शिवगामी देवी के कैरेक्टर के लिए वमिका पर ट्रस्ट किया है। हालांकि अभी इस बात की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। फिलहाल दोस्तों हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप बाहुबली 3 को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।